नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो मेरे किचन गार्डन की एक छोटी सी हार्वेस्टिंग है। बैंगन, पालक और करेला मुझे ना गर्मी में भी परचेज नहीं करना पड़ा, और पालक तो मैं पिछली जो अभी ठंड गई तब से लेके अभी तक मैंने पालक मार्केट से ख़रीदा ही नहीं है। और ये देखिए कितने बैंगन अभी भी बन रहे हैं, मैंने कुछ हार्वेस्ट कर भी लिए हैं, मैं उसकी वीडियो क्लिप नहीं बना पाई, माफ़ कीजिएगा। और बहुत से बैंगन अभी भी बन रहे हैं, करेले बन रहे हैं, करेले तो मैं ये एक ही है जो अभी बड़ा है, और कल मैंने 5-6 या शायद 8 करेले हार्वेस्ट कर लिए थे। तो करेला और बैंगन बहुत ही हार्डी प्लांट है, भिंडी भी बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन हमें भिंडी ज़्यादा संख्या में लगानी होती है, ज़्यादा पौधे चाहिए होते हैं तभी वह हमें गर्मी में और बारिश में फसल दे पाते हैं। करेले मैंने कल हार्वेस्ट कर लिए थे, तो ये एक अकेला बचा हुआ करेला मैं छोटा था तो मैंने छोड़ दिया था इसे, तो आज मैंने इसे हार्वेस्ट कर लिया है। मीडियम साइज़ के करेले आ रहे हैं और अच्छे हैं, जब हम इन्हें फ्रेश बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब मैं थोड़ा सा पालक निकाल लूँगी, क्योंकि पालक भी हमें अगर हम दूसरे या तीसरे दिन, खैर इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 बार अगर हम पालक खाएं तो शायद हमारे शरीर का आयरन मेंटेन रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और बच्चे अगर हम उन्हें हफ्ते में 2 बार खिलाएंगे तो बोर हो जाते हैं, तो हफ्ते में 1 बार तो मैं भी पालक बना ही लेती हूँ। और अगर जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं अपने पेरेंट्स के घर भी भिजवा देती हूँ। और ये देखिए कितनी हेल्दी लीव्स है, इसकी जो लाइनिंग है उन्हीं से पता चलता है कि कितना हेल्दी है, कितना फ्रेश है। और फ्रेश तो आपको पता है ही, आपके सामने ही मैं इसे तोड़ रही हूँ। और पालक को इसी तरह तोड़ना चाहिए, पालक को लगाने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। और इस तरीके से जब सीड पॉड बनने लग जाते हैं तो हमें उसे हटा देना चाहिए। और ये मार्च का लगा हुआ पालक है, तो मुझे लगता है कि अब इसने मुझे काफ़ी हार्वेस्टिंग दे दी है, तो जब तक अब ये दे रहा है तब तक मैं इससे हार्वेस्टिंग लेती रहूँगी। और फिर जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा बारिश होगी, तो ये अपने आप ही ख़त्म होने लगेगा, तो हमें इसे अलग से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह, तो सिर्फ हमें इसकी जड़ें निकाल कर फेंक देनी है, क्योंकि वो जड़ें मिट्टी में दबे दबे दूसरे पौधों का न्यूट्रिशन लेती रहेगी और हमें कोई फसल भी नहीं मिल पाएगी। तो इस ग्रो बैग में मैंने लौकी की एक बेल भी लगाई हुई है, 2 बीज और डाले हैं मैंने लौकी के, शायद वो अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं। और एक ही करेले की बेल है मेरे पास, और वो मैंने इसी ग्रो बैग में लगाई हुई है। वो मैंने गर्मियों से पहले ही फरवरी में ही इसकी सीडलिंग कर दी थी करेले की, तो अभी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। अभी बारिश तो सिर्फ 1 या 2 बार ही हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन जब भी बारिश आती है तो ऐसा लगता है बस अब कंटिन्यू बारिश होगी। और पौधे भी अब कुछ न्यूट्रिशन मांग रहे हैं, पालक जब बारिश होती है तो नीचे नीचे से ख़राब होने लग जाता है। तो बैंगन जो है ये भी मैंने फरवरी में ही इन्हें पौध लगा दी थी, पौध तो मेरी शायद दिसंबर या जनवरी की ही की थी डली हुई, लेकिन उन्हें मैंने ट्रांसप्लांट किया था फरवरी में। और अब बैंगन काफ़ी अच्छे से अब बन रहे हैं, क्योंकि 2 बारिश हो गई है उसके बाद बैंगन की साइज़ थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी पौधों को बारिश का पानी चाहिए, बारिश को होना ही चाहिए, अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हम जैसे किचन गार्डनिंग वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो खेत किसान वाले लोग हैं, खेती वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, उनकी इस बार की फसल शायद ना भी हो। लेकिन ठीक है, हम किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग का मतलब है कि हम खुद के लिए कुछ सब्जियां लगा सकें, ताकि हम कुछ 10% 20% केमिकल कम खा पाएँ। तो ये तो थी मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे और कौन सी इजीली ग्रो सब्जियां लगानी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली किचन गार्डनिंग और फ्लावर गार्डनिंग की वीडियोज़ आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सब्ज़ियाँ लगाइए, पालक बैंगन करेले से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सारी सब्ज़ियाँ होने लग जाएगी। थैंक यू सो मच।